हेलो दोस्तों, रत्नराज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित 50 प्रश्न, जो छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया तथा इनको चित्रों द्वारा अलंकृत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर पाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन पहला देखते हैं, दक्षिणी कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था, ये सही आंसर है। ऑप्शन बी देखते हैं, अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिणी कौशल आए थे तथा 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किया था, ये भी सही ऑप्शन है। हमको बताना है असत्य कथन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की महानदी घाटी के रायपुर बिलासपुर आदि क्षेत्रों से पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं, ये भी सही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरभपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कौशल पर राज्य किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाशिवगुप्त निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे जिनके शासन काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांडु वंश के शासक थे महाशिवगुप्त। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थल अवस्थित है, पाली स्थल कोरबा में अवस्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कोरबा में पाली स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले के अड़ेगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों का शासन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर पर नलवंश का शासन रहा, बस्तर पर नलवंश का शासन कौन से काल में रहा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 500 से 1200 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नलवंश का संस्थापक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिसु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाशिव तिवारदेव। इन्होंने क्या किया था? सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, और ये कौन से वंश के शासक थे? पांडु वंश के, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक के दक्षिण पथ अभियान के दौरान दक्षिण कौशल और बस्तर में स्थापित वाकाटकों की शक्ति को धक्का लगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं? तो महापाषाण युगीन अवशेष जो है घनौरा दुर्ग से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घनौरा दुर्ग। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख कोसल नाम से हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मौर्य सम्राट का कोटा टोला किस स्तंभ नगर के समीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबिकापुर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले के बानम बरद नामक स्थल या स्थान
से किस काल की मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेन सांग। है ना, हेन सांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, वो भी कब की थी? 639 ईस्वी में। याद रखेंगे इसको भी, ये भी क्वेश्चन आता है, किस सन में हेन सांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, विलासतुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की निर्मात्री वाष्टा का संबंध किस वंश से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पांडु वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी वाष्टा द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया? तो रानी वाष्टा द्वारा सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ए विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोमवश की स्थापना नरेंद्र ने की थी। ये गलत है, बाकी जितने भी दिया गया है वो सही है। सोमवंश को मैकाल में पांडु वंश भी कहा जाता है, ये राइट आंसर है। दूसरा है, शिवगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया, ये भी सही है, सत्य कथन है। और लास्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने की थी, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? ऑप्शन सी वाण वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाण वंश। ठीक है, विक्रमादित्य को वाण वंश का शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित प्रयागराज का कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाकंतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकंतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? ऑप्शन ए बस्तर सिहावा जंगली प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया, सॉरी, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया? तो राजवंश दिया गया है और उनको हम लोग को उनके कालक्रम के अनुसार सही उत्तर चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहला जो रहेगा राजर्षि तुल्य कुलवंश, उसके बाद नल वंश, फिर सर्वपुरी वंश, फिर चौथा रहेगा चक्रकोट का नाग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए, रानी वाष्टा ने सूर्यपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। ये सही ऑप्शन है, सही है, राइट कथन है। दूसरा है, उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनवाया गया, ये भी सही है। तो कथन देखते हैं, ऑप्शन ए देखते हैं, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश था? दक्षिण कौशल का नरेश कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? ऑप्शन सी हो जाएगा, रतनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाशिवगुप्त बलार्जुन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कांकेर के सोम वंश का संस्थापक कौन था? कांकेर के सोम वंश का संस्थापक था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंहराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर है दुर्ग। कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के दुर्ग से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था, रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, मल्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाकाटक नरेश के समय में दक्षिण कौशल पर वाकाटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रवर सेन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नल वंश के शासकों के साथ वाकाटक नरेशों का संघर्ष हुआ। एक जरूरी बात, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको नई वीडियो का मिलता रहे। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक नल संघर्ष की पहल किसने की? ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नल शासक भवदत्त बर्मन ने किया। वाकाटक नल संघर्ष की पहल किसने की? नल शासक भवदत्त बर्मन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है? ए सीता बेंगरा गुफा में, बी जोगी मारा गुफा में, या सी ए और बी और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी। भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है सीता बेंगरा गुफा में और जोगी मारा गुफा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर जिले के किस स्थान से बौद्ध भिक्षुड़ियों का एक विहार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुरतुरिया से प्राप्त हुआ है, बौद्ध भिक्षुड़ियों का एक विहार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, आटविक राज्य से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन नरेश अपीला की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बालपुर से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी बालपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के आसपास दक्षिण कौशल में राजर्षि तुल्य नामक नागवंश का शासन था? ऑप्शन हो जाएगा राइट, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 5वीं सदी में, ठीक है, जहाँ पे राजर्षि तुल्य नामक नागवंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाशिवगुप्त बलार्जुन ने किया था, ठीक है, महाशिवगुप्त बलार्जुन ने किया था। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण करने का काम किसने किया था? महाशिवगुप्त बलार्जुन ने। जबकि लक्ष्मण मंदिर बनाने का आदेश जो है किसने दिया था? वाष्टा देवी ने किया था, रानी वाष्टा ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हेन सांग किस सन में छत्तीसगढ़ आया? जैसे कि पहले ही बताया था, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 639 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, सर्वपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडु वंशियों ने दक्षिण कोसल में अपने वर्चस्व की स्थापना की, उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीपुर एवं सिरपुर, ये दोनों एक ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंजर के शिलालेख के अनुसार पांडु वंश के आदि पुरुष का नाम था, आदि पुरुष का क्या नाम था? ऑप्शन बी उदयन, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरपुरी वंश को सत्ताच्युत कर दक्षिण कौशल में पांडु वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तिवर देव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कौशल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन बी अशोक ने कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ पर गुप्त शासकों के प्रमाण को प्रमाणित करते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बानबरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सरपुरी वंश जिसकी राजधानी सरपुर थी का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सरपुरी वंश में हुआ था। ठीक है, मंदिरों का निर्माण किस वंश ने किया था, किस वंश में हुआ था? सरपुरी वंश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक के आसपास को क्षेत्र पर किस वंश के शासक के राज्य करने के विषय में शरत बल के बहमनी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांडव वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? ऑप्शन सी वाणवंश। एक बार और आ गया है ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है लास्ट, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में शैलचित्र अधिक मिले हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एक आध कई बार, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।